नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेल, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, मच्छर बहुत ही ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, आपकी रातों की नींद हराम करके रख देते हैं, बच्चों को सोने नहीं देते हैं। देखिए, दो तरीके के हमारे समाज में लोग होते हैं। पहले वो जिनसे सहन नहीं होता है मच्छर का काटना, वो क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, कॉइल लेके आते हैं ना, मोर्टिन, आपने नाम सुना होगा, जो मोर्टिन की कॉइल आती है, आप देख सकते हैं हमने स्क्रीन में ये वाली। लेकिन अगर आप रात को मोर्टिन जला के सोते हैं, अगर आपके घर में बच्चे हैं, अगर आप हैं खुद, आपके घर में बुजुर्ग हैं, एक मोर्टिन जलाना 100 सिगरेट जलाना बराबर है। इतना भयंकर, इतना जहरीला गैस छोड़ता है वो, इतनी गंदी प्रदूषण वायु में करता है कि कई लोगों की मृत्यु तक हो चुकी है कॉइल जलाने से, मोर्टिन जलाने से। ज्यादातर लोगों को अस्थमा की समस्या हो जाती है जो लोग मोर्टिन जलाते हैं कंटिन्यूअसली बरसात के मौसम में। पहली बात तो यहीं पे खत्म होगी कि आपको मोर्टिन नहीं जलानी चाहिए। अब दूसरे लोग कौन से होते हैं, जिन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, कैजुअली ले लेते हैं, अरे ठीक है ना यार, मच्छर काट लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक दो दिन में नॉर्मल हो जाएगा, फिर से चादर रख के सो लेते हैं, कई लोग नेट लेके आते हैं मस्कीटो वाले। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में इतना जबरदस्त, इतना कारगर घरेलू उपाय बताने वाला हूं, आपको किसी भी प्रकार की नेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये नुस्खा इस्तेमाल करके देख लेते हैं, किसी भी प्रकार की मोर्टिन जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी सामग्री आपको घर पे आसानी से मिलती है, सभी के घर पे उपलब्ध होती है, इतनी आसानी है रेमेडी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना, हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। दोस्तों, मैंने वीडियो में दिखाने के लिए प्लास्टिक का बर्तन लिया, लेकिन आपको मिट्टी का बर्तन लेना है। क्यों, मैं आपको अभी बताऊंगा। मिट्टी के बर्तन के बीच में मैंने ये क्या डाला है, मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, मैंने लहसुन लिए, इनको अच्छे से कूट के बारीक करके पीस लिया अच्छे से, तो ये मैंने इसके बीच में ले लिया। कितने, 3 से 4 ही लहसुन आपको लेने हैं। चलिए बात करते हैं आपको दूसरा कौन सा चीज लेनी है। दूसरा आपको लेना है, ये आप देख सकते हैं हमने स्क्रीन में, कपूर। ओके, कपूर क्यों लेना है, इसको हमको जलाना है। अब देखते हैं कि कपूर किस तरह से हमको इसके बीच में डालना है। तो आपको अच्छे से ये तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके कपूर के इसके बीच में डाल लेना है। जैसे आप देख सकते हैं मैं इसको पीस रहा हूँ ऐसे, आप एक दो ऊपर रख लीजिए इसके ऊपर। इसके बाद आपको लास्ट में लेना है देसी घी। देसी घी क्यों लेना, ताकि अच्छे से लंबे समय तक जलता रहे। लेकिन मिट्टी का बर्तन लेना आप, नहीं तो लकड़ी का भी ले सकते हैं। अब इन तीनों चीजों को अच्छे से हाथों से मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो किसी भी चम्मच से, हाथों से ही अच्छे से मिक्स होता है ये। मैं आपको वीडियो में दिखाने के लिए चम्मच इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके, एकदम देसी तरीके से बनाए इसको, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही कारगर होता है। देखिए, क्वाइल जलाने से, मोर्टिन जलाने से क्या होता है, फिर भी एक दो मच्छर आपके आसपास रह जाते हैं, लेकिन इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के बाद एक भी मच्छर आसपास नहीं भटकेगा, पूरी रात आराम से आप सो सकते हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करना है आपको, इसको आग लगा देनी है, अच्छे से जला लेना है। ओके, ऐसे आपको ये जोत जला लेनी है, जिसको हम बोल सकते हैं, आई होप कि आप देख रहे होंगे वीडियो में, इस तरह से आपको ये जोत जला के रखनी है रात भर में। ये काफी लंबे समय तक जलती है, अगर आप इसको 20-25 मिनट में जलाते हैं तो ये पूरी तरह से मच्छरों को खत्म कर देती है। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।